हाँ एक मिनट, रुपेश रुपेश जी की आवाज जी नहीं आ रही आपके है? मोबाइल को क्या नाम से रुपेश रुपेश जैन है? जी? मेरा माइक अगर अनम्यूट किया हो आपने, अभी अभी क्या अनम्यूट हुआ? आवाज आ हाँ रही है अभी? बिल्कुल, हाँ अभी आ हाँ रही है। चलिए, वीडियो पुनः एक कॉल बार हम सबके सौभाग्य से यहाँ जितने भी आचार्य वृंद, साधु वृंद, आरिका वृंद उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, वे उन सबके पुनीत चरणों में पहले कोटि कोटि नमस्तु, वंदना अभिवंदन नमन निवेदित करता हूँ। और ये प्रथम प्रयास है, इसलिए मुझे लगता है टेक्निकल टीम को थोड़ा सा टाइम लग रहा है सारी चीजों को एडजस्ट करने में। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एक बार समस्त गुरुजनों के चरणों में अपनी ओर से पुनः कोटि कोटि नमन करते हुए। ये जो सार्थक प्रयास शुरू हुआ है, वैसे तो महासभा की बहुत सारी बातें हैं जो आप सबको हेलो। पता ही हैं, लेकिन ये जो चैनल के माध्यम से नया एक आयोजन शुरू हुआ है, तो मैं बस इसी संदर्भ में कुछ पंक्तियां गा के इस आयोजन को एक मंगलाचरण देना चाहता हूँ। तो एक बार महामंत्र नवकार की स्तुति कर लें और उसके बाद कुछ पंक्तियां केवल इस आयोजन के प्रारंभ में। मंगलम भगवान मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंड कुंड्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोए सवसाहुणं। एसो पंच नमो यारो सब पाव पनासनो मंगलारं चे सवेसी पढ़ मम हवई मंगलम। तो हमारा ये जो जैनम चैनल अब हम शुरू कर रहे हैं, बस इसका कुछ परिचय मैंने कुछ पंक्तियां अब प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। ये आप सबके लिए, पूरी महासभा के लिए। हो देव शास्त्र गुरुओं को समर्पित ये उपहार हमारा, देव शास्त्र गुरुओं को समर्पित ये उपहार हमारा। जन्म हुआ जैनम चैनल का महासभा के द्वारा, जन्म हुआ जैनम चैनल का महासभा के द्वारा। धर्म का ध्वज लहराएंगे, धर्म का ध्वज लहराएंगे, सीमित साधन में भी प्रभाव ना करते जाएंगे, सीमित साधन में भी प्रभाव ना करते जाएंगे। मिला आशीष गुरुजन का, मिला आशीष है गुरुजन का, सहभागिता अपेक्षित है श्रावक जन का, सहभागिता सहयोग अपेक्षित है श्रावक जन का। धर्म का ध्वज लहराएंगे, धर्म का ध्वज लहराएंगे, सीमित साधन में भी प्रभाव ना करते जाएंगे। ये जैन दिगंबर महासभा वर्षों से यूं ही समर्पित है, वर्षों से यूं ही समर्पित है।
ये धर्म समाज और तीर्थों के लिए संकल्पित और सेवारत है, संकल्पित और सेवारत है। ये जैन दिगंबर महासभा वर्षों से यूं ही समर्पित है, वर्षों से यूं ही समर्पित है। ये धर्म समाज और तीर्थों के लिए संकल्पित सेवारत है, ये संकल्पित सेवारत है। इस महामारी में भी इसने अपना कर्तव्य निभाया है, सहयोग हजारों साधर्मी जन के घर घर पहुंचाया है, हाँ घर घर तक पहुंचाया है। साथ ही हाथ बढ़ाना भी है महासभा का नारा, साथ ही हाथ बढ़ाना भी है महासभा का नारा। जन्म हुआ जैनम चैनल का महासभा के द्वारा, जन्म हुआ जैनम चैनल का महासभा के द्वारा। धर्म से जुड़े रहें प्राणी, धर्म से जुड़े रहें प्राणी, कल्याण जन का संतों मुनियों की वाणी, कल्याण करे जन जन का संतों मुनियों की वाणी, धर्म का ध्वज लहराएंगे। और हम इस जैनम चैनल के माध्यम से क्या क्या करने वाले हैं उसकी एक छोटी सी झलक और है बस अंत में, कि प्रवचन अध्ययन स्वाध्याय है, तो गुरुजन से मिला आश्वासन है, गुरुजन से मिला आश्वासन है। चैनल का मुख्य प्रयोजन है, चैनल का मूल प्रयोजन है, बंधुत्व परस्पर बढ़ता रहे, सब एक दूजे से जुड़े रहे, मत भेद भुला कर धर्म की खातिर संकल्पित हो खड़े रहे, हम संकल्पित हो खड़े रहे। रहे सुभाषित संस्कारों से जैन समाज ये सारा, रहे सुभाषित संस्कारों से जैन समाज ये सारा। ओ धर्म की रक्षा है तू समर्पित है ये कार्य हमारा, धर्म की रक्षा का प्रण लें, धर्म की रक्षा का प्रण लें, संस्कृति संरक्षण हेतु हम जीवन अर्पण कर दें, संस्कृति संरक्षण हेतु हम जीवन अर्पण कर दें, धर्म का ध्वज लहराएंगे। सीमित साधन में भी प्रभावना करते जाएंगे। तो पुनः पुनः समस्त गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अभी के लिए विराम लेता हूं, आगे कार्यवाही जारी रखें। धन्यवाद। धन्यवाद रुपेश भाई, आपने बड़ा ही अच्छा मंगलाचरण हम सबको सुनाया। और अभी इस कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हम मैं निर्मल शेट्टी जी से गुजारिश करती हूं कि कृपया वे आए और इस कार्यक्रम में सबका स्वागत करें। निर्मल शेट्टी जी आज हम जय जी निर्मल शेट्टी जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में। प्लीज उनको अनम्यूट कीजिए, उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है निर्मल जी की।
पारस भाई इनकी आवाज अनम्यूट कीजिए। हाँ भाभी बोलिए। और निर्मल भाई की आवाज नहीं आ रही, उनको अनम्यूट कीजिए। किसको? निर्मल भाई जी की आवाज नहीं आ रही है, उनको अनम्यूट कीजिए। अभी जो बोल रहे थे ना, स्वागत कर रहे थे, बोले प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। ठीक है, कार्यक्रम को इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ाते हैं और मैं हमारे जमुना जी हफावत जी को विनंती करती हूँ कि कृपया वे आगे आए और यहाँ पे दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। मित्रों, आज उनके एकमात्र पोते वीर का भी जन्मदिन है, तो मैं जन्नालाल जी से विनती करती हूँ कृपया वे आगे आइए। भाभी बाबू जी आ गए। सेठी निर्मल सेठी जी है ना। हेलो हेलो। हाँ जय जी निर्मल भैया। नहीं ये दोनों भी नाम से नहीं है ना, क्या करूँ। आप बोलिए, आपकी आवाज सब सुन पाएंगे। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है। बोलो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। जय। बोलो इस युग के मुनि धर्म के पुनरुद्धारक परम पूज्य आचार्य शांतिसार महाराज की जय। जय। कार्यक्रम में उपस्थित सब श्रद्धेय आचार्यों मुनिराम कुमारिकाओं माताजी जनों का मैं नमोस्तु वंदामि इच्छामि सबको नमन करता हूँ। मैं आप सभी दर्शक गणों का भी बहुत स्वागत करता हूं और भगवान जिनेंद्र से सागर जी के भजन जान से ये प्रार्थना करता हूं कि इस कार्यक्रम को आशीर्वाद दे महासभा के इस कार्यक्रम। एक मिनट का काम है, इसे आधे मिनट का है। अच्छा करे, यही हमारी भावना है। बोलो आचार्य शांति सार महाराज की जय। जनों की जय। ऐसे ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम की शोभा दीप प्रज्वलन से करते हैं। जैसे दीप प्रज्वलित होते वैसे ही इस हमारे कार्यक्रम की भी चारों ओर प्रकाशित हो और हम ज्यादा से ज्यादा हमें मुनिवर महाराज जी का सानिध्य मिले, ऐसी भावना बातें। और मैं जमुनालाल हपावत जी से विनती करती हूँ, कृपा आप दीप प्रज्वलन कीजिए। आज जमुनालाल हपावत जी के छोटे उनके जो पौत्र है भी, उनका भी जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की खूब खूब बधाई। हमारे बीच में आचार्य विशु सागर जी महाराज की जय। जमुनालाल जी से निवेदन है वो आगे की प्रक्रिया करें। बोले हाँ बोले। विशु सागर महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, गर्भ जोड़ के उन्हें हम नमोस्तु बोले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। अभी लेंगे, अभी महाराज जी को रेम दो बोलती दो पांच मिनट दर्शन पे बोलना है, पांच ही मिनट। हेलो दीप प्रज्वलन। हाँ जी हाँ जी, क्या नाम है, रिनेम करा है? जमुनालाल हपावत, जमुनालाल जी हपावत जी की पूरी फैमिली दीप प्रज्वलन के लिए उपस्थित है। अरे जमुनालाल जी आप शुरू कीजिए। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। अभी हमारे समक्ष आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी विराजमान है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, कृपया आप सभी लोग शांत रहे और शांति से महाराज जी के उद्बोधन को हम सुनेंगे। जय जनन बोलिए। कब से चालू होगा, आप आ गए ना इसमें का और? नहीं तो फिर आप बाहर रहेंगे, इसका मतलब रुकिए 10 मिनट रुकिए। आप कैमरा चालू नहीं हो, आपका ये चालू नहीं हो ना।
बोले भाई भगवान की जय। लग रहा है कि समूह शरण में बैठे हैं और आज हमारे साथ आचार्य और 20 साधु संत मौजूद हैं। उनके साथ में लगभग 100 साधु हैं जिनका हम सम्मान कर रहे हैं। हम अपनी महासभा के पदाधिकारियों के माध्यम से और नमस्ते करते हैं महाराज माता जी को प्रणाम करते हैं और पूरी महासभा महासभा का 125 साल पहले स्थापना हुई थी। इन 125 सालों में इतनी कठिनाइयों को पार करते हुए पार करते हुए हमने कम से कम 600 चीजों का जीर्णोद्धार कराया। सर्वसम्मति महासभा के माध्यम से और आज इस कोरोना की महामारी हमारे साधवी भाइयों के लिए पूरे देश के 6,000 साधवी भाइयों को भोजन सामग्री वितरित की। इतना ही नहीं, हमने मेडिकल जैन ऑनलाइन डॉक्टर से हमारे साधन भाई को सहायता हो और हमने एक वीसा फॉर्म भी जारी किया जिसके माध्यम से हमारे जैन भाइयों का पूरा डाटा मंगाया। लगभग 30,000 लोगों ने अपना फॉर्म भर के दिया है। उसके माध्यम से हमें पता चलता है हमारे देश में हमारे भाइयों की स्थिति क्या है। हम श्रीमान का बहुत अभिवादन करते हैं। इन्होंने 40 साल तक अनवरत प्रयास करके और हमें मार्गदर्शन किया। आज 40 साल की उम्र में भी पूरी तरह काम कर रहे हैं। विदेश में जाके जैन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वहां का जैन धर्म पता कर रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले लगभग 2 दिन हमने एक योजना हमारे साधारण भाइयों को ज्ञान प्रकाश किया। उसके माध्यम से हमारी भावना है कि देश में जो भी छात्र अभी कोरोना के बाद खुलने वाले हैं उन स्कूलों को खुलने के लिए उन बच्चों को उन परिवारों को पैसे की मदद पड़ी और उनके पास जो समस्या है उसके लिए हमने कोशिश की है और हमारा बहुत से भाइयों ने हमें जितने भी आचार्य हैं और माता जी ज्ञानमती माता जी जितने भी आचार्य और साधु संत हैं उनको सबको मैं नमोस्तु वंदामी करता हूँ और आप सबका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे महासभा पर और हम ऐसे ही काम करते हैं। सबको नमोस्तु और जितने भी इसको देख रहे हैं उनके सभी भाइयों को मेरा सादर जय जय जय। आपका आशीर्वाद होगा तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। अभी पारस भैया हमें जैनम चैनल के बारे में कुछ शब्द बताएंगे तो चलते हैं पारस भैया के पास। जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र। उपस्थित सभी साधुओं के चरणों में कोटिशा वंदन। इस जैनम चैनल को शुरू करने के पीछे मुख्य भूमिका यही रही है कि हमारे समाज में और हमारे परंपरा में बहुत से ऐसे साधु हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे विचार है, बहुत अच्छे अच्छे चिंतन है, जिनमें बहुत प्रतिभा है, लेकिन वो अपनी प्रतिभा समाज तक लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं क्योंकि हमारे बीच में जो आजकल का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी को उपलब्ध नहीं हो पाता है। किसी को समय की समस्या है तो किसी के पास पैसे की समस्या है, इसलिए सभी तक ये उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए ये चैनल शुरू किया गया है ताकि हमारे साधु हमारे जो बड़े बड़े विचारवंत है ये सभी आप सभी से जुड़े, आप हम आम जनता को उनसे पहुंचना आसान हो। ऐसे भी कोरोना जैसी जब स्थितियां पैदा होती है तो इस स्थितियों में हम कई दिनों से गुरुदेव के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी वाणी नहीं सुन पा रहे। इन सभी समस्याओं को देखते हुए महासभा द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हमें
24 घंटे का ऐसा जूम चैनल शुरू करेंगे जिस चैनल से सभी लोग अपने गुरुदेव से, सभी अलग अलग गुरुदेव से दिन भर उनकी वाणी सुन पाएंगे और उनसे ज्ञान ले पाएंगे। इसीलिए इस चैनल की शुरुआत की गई है और मुझे आशा है कि आज इतने बड़े लगभग 100 साधु उपलब्ध है, इनका सबका आशीर्वाद होगा तो ये चैनल जल्दी बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाएगा। तो मैं गुरुदेव, सभी गुरुदेवों को नमन करता हूँ, उन्हें निवेदन करता हूँ वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। अरस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अथक मेहनत करके महासभा के साथ मिलकर इस चैनल को प्रारंभ करने का जो प्रयत्न किया है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है। और हमारा सौभाग्य है कि ये पहला ऐसा चैनल है जो हमें घर बैठे तो देखने मिलेगा, पर आज हम घर बैठे एक साथ अनेक साधुओं को के दर्शन कर पा रहे हैं और उनके वचन भी सुन पा रहे हैं। तो उनके आशीर्वाद से ही आज हम कार्यक्रम की शुरुआत जैसे की है, उनके दर्शन से वैसे उनके आशीर्वचन के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें बहुत खुशी हो रही है आज के इस हमारे इस कार्यक्रम में शुल्लक सिंह ध्यान सागर जी महाराज, आचार्य श्री विस्तृत सागर जी महाराज, सुनील सागर जी महाराज, वर्तमान सागर जी महाराज, आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज, आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज, आचार्य गणिकारिका श्री ज्ञानमती माता जी, आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज जी, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज जी, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज जी, मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी, मुनि श्री अमित सागर जी, आरिका श्री सुखमती माता जी, आरिका श्री कनक नंदी, आरिका श्री शुभमती माता जी, आचार्य श्री कनक नंदी जी, गुरुदेव आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज जी, ऐसे ही उसके अलावा बहुत सारे आचार्य जी मुनि जी का समय सानिध्य में मुनि श्री जयकीर्ति जी महाराज, मुनि जी प्रज्ञा सागर जी महाराज, बहुत सारे आचार्य श्री आरिका माता जी का सानिध्य मिला है। हम आपको पूरी कोशिश करवा रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा महाराज जी, आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज, सबके दर्शन आपको करवा पाए। हम चालू है उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आशीर्वचन सुनते हैं हमारे शुल्लक सिंह ध्यान सागर जी महाराज जी के पास से। अरस भैया महाराज जी, शुल्लक सिंह ध्यान सागर जी महाराज जी, ध्यान सागर जी महाराज जी अभी तक आए नहीं है, हम आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव से विनती करेंगे कि वो हमें आशीर्वचन दे। आचार्य श्री आप तक मेरी आवाज जा रही है? बोल अमित सागर जी महाराज की जय, कर बधा जुड़ के उनसे नमोस्तु करते, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आचार्य श्री सुनील सागर जी हमारे बीच में, आचार्य सुनील सागर जी महाराज जय। यदि हम गुलाब की तरह सुनना चाहते हैं, ठीक है, इसके बाद आप कहीं ले रहा हूँ तो वो मिले नहीं मेरे को, आप इसलिए सुनो नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, बच्चों को केवल सिखाना चाहे तो बहुत मुश्किल है। आधुनिक संसाधन चैनल टीवी के माध्यम से सिखाना काफी जन्म चैनल प्रारंभ करने का मंगलमय पुरुषार्थ महासभा कार्यकर्ताओं ने किया है, सत्तु मंगल आशीर्वाद। चैनल चलाना है तो 3T का हमेशा ध्यान रखना होगा, टाइमिंग, ट्यूनिंग और ट्रेनिंग।
टाइमिंग पर नहीं चलेगी तो गड़बड़ होगा। पूरे समाज, संप्रदाय, पंथ, गुरुजनों का ट्यूनिंग बनाकर के ना चलेंगे तो भी गड़बड़ होगा। ये पीछे चला भैया, थैंक यू। आज के युग में भी हम अनेक बीतरागी संतों के दर्शन कर पा रहे हैं। समाज का सौभाग्य है मिलजुल करके सहज भाव से इस चीज को आगे बढ़ाएं, ऐसा मंगल आशीर्वाद। मोबाइल को हम बच्चों से छीन नहीं सकते, लेकिन हम ऐसा कुछ जरूर कर सकते हैं कि उनके पास वही मेटल पहुंचे या वह देखना पसंद करे जो हम उन्हें दिखाना चाहते। जय बोली हाँ, अब मैं निवेदन करूंगा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव से, वो हमें आशीर्वचन दे। एंटर कर दो तब तक हम दूसरे को अरे पारस मेरी आवाज नहीं आ रही ठीक से, मेरा ठीक करो। हमारे आत्म तत्व के विकास का हेतु है। निश्चय और विहार इन दो धर्मों की व्याख्या है। अभेद वृत्ति से कथन करता है वो निश्चय धर्म है, भेद वृत्ति से व्याख्या भी करता है विभाग धर्म है। निश्चय तीर्थ का विलोप होने से जब निश्चय को भूल जाते हैं तो निश्चय तीर्थ का विलोप होता है, विभाग को भूलने से विभाग तीर्थ का विलोप होता है। अरहंत के शासन में उभय तीर्थ की वृत्ति के लिए आज्ञा है। निश्चय और विभाग दोनों नियमों को लेकर के जो जीव अरहंत के शासन में जीता है वो भी सभी तत्व का भावक है। आज संपत्ति वर्तमान में जैनम चैनल के माध्यम से
जो भगवान जिनेंद्र के शासन का उद्योतन का विचार किया महासभा ने यह श्रेष्ठ विचार किया है उनके लिए मंगल आशीष इस बात का है कि यह दिन शासन का उद्योतन हमारे बाल से लेकर वृद्ध तक वृद्ध से बाल तक वो हर दर्शन आदमी के पास दिन शासन अरहंत का उद्योतन करने वाला सत्यार्थ मात्र सत्यार्थ का बोध हो औषम में प्रकाश हो अंतस में मिथ्या तम का विनाश हो और आत्म शुद्धि के साक्षात हर जीव के प्रति करुणा दया के परिणाम हो साथ में संपूर्ण समाज में अखंडता उद्यमान हो प्रकाशमान हो जहाँ अखंडता है वही पर शासन की प्रभावना है हम सब खंड खंड से दूर होकर के अखंडता के ओठ में पंथ परंपराओं से शून्य होकर के मात्र एकमात्र अरहंत जिनेंद्र के शासन का उद्योतन करें ये मंगल आशीष अपने जीवन में इस परम तत्व को जिनवाणी को घर अरहंत के शासन का उद्योतन करते हुए और शुभ प्रकाश ऐसा ज्ञान मार्ग है उस ज्ञान मार्ग को रत्नोत्तरीय मार्ग को उद्योतन करते हुए इस बात को प्रकाशित करें कि हमारे जीवन में सरलता सहजता और निर्मलता प्रकट हो जब तक सरलता सहजता नहीं आएगी हम जब तक शुभ में नहीं भीगेंगे दूसरे को आग नहीं कर पाएंगे मंगल शुभ आशीष कि अपने जीवन में इसी प्रकार से अरहंत के शासन को प्रभावित करते रहे भगवान महावीर के शासन का उद्योतन करें जो कि अज्ञान का कारण करे भगवान महावीर स्वामी की जय विशुद्ध साईं महाराज की जय। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा आचार्य श्री सुविधि सागर जी गुरुदेव से वे हमें आशीर्वचन दे जो दिख रही सबको अब अपना वीडियो स्टॉप कर देंगे महासभा द्वारा जिन्हें शासन की संभावना के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उपयोग किया जाना जो साहित्य संस्कृति और संस्कारों को वृद्धि करना वाला मेरा यही आशय ओम। आचार्य सुविधि सागर जी महाराज की जय। सो आप सभी ने आचार्य सुविधि सागर महाराज जी के दर्शन किए उनके प्रवचन सुने उनसे आशीर्वाद लिया जैनम चैनल के लिए। अभी मैं आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी से गर्भबद्ध हाथों से विनती करती हूँ कि कृपया हमारे इस चैनल को आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी 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 पर फिर ये नहीं चलेगा ना मेरे इसमें आचार्य श्री आपका अनम्यूट कीजिए आचार्य श्री हाँ बोलिए आचार्य श्री बोलिए आवाज आ रही है हमारी आवाज आ रही है आ रही महाराज जी बिल्कुल बढ़िया आ रही अच्छा तो आज हमारे इस नए प्रयोग के माध्यम से सारे देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन में जैन समाज की कई हस्तियां एवं जैन समाज के कई दिगंबर मुनि आचार्य आरिकाएं इस झूम से जुड़े हुए हैं और इन विकट परिस्थितियों में जबकि सारा देश सारा विश्व कोरोना से लड़ रहा हो इसकी लड़ाई का एक ही तरीका है
कि हम अहिंसात्मक पद्धति को अपनाएं, शाकाहार को अपनाएं, व्यसन मुक्ति का जीवन अपनाएं एवं हम लोग जो हैं पूर्णता अपने अपने धर्म के ऊपर पूर्ण आस्था विश्वास श्रद्धा रखते हुए जितनी हम भक्ति कर सकते हैं वह भक्ति करें, क्योंकि जो हम लोगों के लिए संकट से निकाल सकती है। आज का यह प्रयास जो महासभा के माध्यम से किया जा रहा है, इसमें जो हमारी दिग्गज शक्तियां जुड़ी हुई हैं, बड़े शक्तिशाली लोग इसके साथ हैं, तो कार्य तो बहुत अच्छा ही हो रहा है और होना ही चाहिए, क्योंकि सब मिलकर के कोई कार्य करें तभी उस कार्य में सफलता मिलती है। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूंगा कि भाई पारस जी ने एक अच्छा प्रयास इस संदर्भ में किया है और उनके प्रयास जो है सारा संसार एक साथ जैन समाज के रूप में यहाँ पर जुड़ करके अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। देखिए जहां तक इस महामारी से निपटने की बात है, साइंस शासन प्रशासन मेडिकल साइंस ये एक अपनी जगह है, उनके आदेश का हम नहीं कहते हैं कि उल्लंघन करना चाहिए, किंतु यदि संसार में सांसारिक जीवन चलाने के पहले यदि मंदिर खुलवा दिए होते, तीर्थों पर दर्शन के लिए यदि पहले प्राथमिकता दी गई होती तो मुझे लगता है कि ये कोरोना और जल्दी भाग जाता। मैं आज जैन धर्म की अहिंसा सत्य संयम को सब लोग अपने अंतःकरण में धारण करें एवं आज के अभिनव प्रयोग में जो भी आज शुरुआत की जा रही है ये मैं समझता हूँ कि शुरुआत का एक मंगला, इसलिए मंगलाचरण में कोई भी व्यक्ति अपनी बात को पूरा तो नहीं रख सकता है और मुझे भी एक अल्प समय ही दिया गया है। हालांकि इन प्राथमिक औपचारिकताओं के कारण एवं पहली बार ये सब चालू होने की वजह से हमारे जो कार्यदर्शी लोग हैं, जो लोग इस चैनल को चालू करते हैं चालू करवाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा विलंब हुआ है। मैं समझता हूँ पारस जी इस नई टेक्निक के माध्यम से सारे देश में विश्व में शांति का संदेश फैलाएंगे। मैं इस अवसर पर भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर महाराज को अपना नमोस्तु निवेदित करता हूँ एवं यह भावना भाता हूँ कि भगवान महावीर का यह पवित्र सिद्धांत, पवित्र साधवाद, पवित्र अनेकांतवाद, सबका यह जो मंगल धर्म है, सभी लोगों का कल्याण करे, सभी लोगों का हित करे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्ति माम कश्चित दुख भाग। सभी जीव सुखी रहे, सभी जीवों का हित हो, सभी जीवों का कल्याण हो एवं सभी जगह क्षेम शांति एवं कुशल मंगलमय वातावरण हो। इन मंगल भावनाओं के साथ आज मैं प्राथमिक तौर पर भारतीय दिगंबर जैन महासभा एवं महासभा के जो कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अभी पारस जी एक ऐसे नवोदित कार्यकर्ता है जो करीब 2 महीना से महासभा को काफी उजेला दे रहे हैं, काफी प्रकाश दे रहे हैं। पारस तुम्हारी एक ऐसी प्रतिभा है, इस प्रतिभा को तुम जहां भी लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। साधुओं के चातुर्मास बड़े निकट आ रहे हैं, अब मुझे लगता है कि इस वर्ष के चातुर्मास हमें ऑनलाइन ही संपन्न कराने होंगे और इस ऑनलाइन चातुर्मास संपन्न कराने में हमारे देश के शीर्षस्थ कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के, क्योंकि चातुर्मास एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, चातुर्मास आध्यात्मिक पर्व है, चातुर्मास साधना का पर्व है जिसमें सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग
आकर देते हैं। इसलिए ऑनलाइन चातुर्मास की भी अपने को शुरुआत करनी है और जो साधु जहाँ है उन साधुओं के लिए वहां पर आत्म उद्धार करने की अच्छी तरह से उनके लिए सारी सुविधाएं प्राप्त हो, इस बात पर भी अपने लिए जोर देना है। मैं इन सब काफी विषयों पर अगले दिन जब भी आप टाइम हमारा सुनिश्चित करेंगे उस टाइम से मैं इन सब चीजों को सुचारू रूप से करूंगा। मैं निर्मल सेठी जी को भी आशीर्वाद देता हूँ, हमारे जमनालाल जी हपावत साहब जो एक अच्छे कार्याध्यक्ष के रूप में अभी अपनी प्रतिभा को उभार रहे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ और वे भी इस चातुर्मास के संदर्भ में विचार करें और अच्छे से अच्छा कार्य करने का जो है वो प्रयास करें। पुनः एक बार अपने आशीर्वाद के साथ मैं अपने दो शब्दों को विराम देता हूँ। इसके पश्चात नमोस्तु महाराज जी। बंधुओं, आपने आचार्य देवनंदी महाराज जी के प्रवचन सुने, उसके पश्चात अभी हम सुनेंगे गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के प्रवचन। पारस भैया, माता जी दिख नहीं रहे अभी तक हमको, नहीं दिख रही अभी माता जी, नहीं दिख रही। जब तक आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के प्रवचन आशीर्वचन हम सुनेंगे। सौभाग्य सागर जी लग रही क्या महाराज? बोले सौभाग्य सागर जी की नमोस्तु महाराज जी। वही तो पीछे फिर जी को लेते ना भरत जी ठोले, आप अनम्यूट कीजिए महाराज जी को। अनम्यूट क्यों किया उन्होंने? अरे भरत जी ठोले गए वहां पे विधान में। भरत जी ठोले वहां पर एक राइट क्लिक है लेफ्ट हैंड में, उसको क्लिक कीजिए, अनम्यूट कीजिए महाराज जी को। भरत भैया वहां पे एक बटन है, उसको अनम्यूट कीजिए आप।
सभी लोग अनेक शहरों से और अनेक जगहों से अनेक साधु सभी लोग इससे जुड़ेंगे और इसके माध्यम से अपने अपने विचारों के माध्यम से प्रभावों में अपना अपना सहयोग देंगे। जो कोरोना का समय आया है तो कहते हैं तो यह एक माध्यम बना है अपने लिए क्या ढूंढ सकते हैं, अपने अपने लिए, हमारे लिए, अपने खुद के काम के लिए, खुद के जीवन के लिए बहुत कुछ समय दिया गया है और इसका सदुपयोग करें कि जीवन में हम दूसरों के लिए, दूसरे संबंधों के लिए, काम धंधे के लिए, व्यापार आदि के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और अभी इस बात को सभी को समझना है कि यह हमारा जैन शासन कहता है कि आत्मा कहता है तो बंद कर दे, अभी पूरा बंद कर दे, वहां पर चल नहीं रहा है, सब बंद कर दे। हाँ, कट कर। इसमें आवाज क्यों नहीं आ रही? पल्लवित और पुष्पित रहे हाँ, और सभी साधुओं के विचारों का आदान प्रदान रहे। फुल भी कुछ भी नहीं करना, जरा जगह कर। ले वहां से भी वो वायर निकाल दो उसका। और मैं यहाँ गजपंथा जी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हूँ। गजपंथा जी सिद्ध क्षेत्र का मंगलमय सिद्ध क्षेत्र जहाँ से 8 करोड़ निराज मोक्ष गए हुए हैं। यह पहाड़ दिख रहा है आप सभी के लिए, पीछे 7 बलभद्रों की सिद्ध भूमि है। एक गजकुमार मुनि यहाँ से मोक्ष गए हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं कि उपसर्ग आने पर, संकट आने पर, दुख आने पर जीवन में कैसे सहनशील बनना और अपनी सहनशीलता जीवन में मोक्ष जैसी जीवन में अगर हम सहनशील बनते हैं, धैर्य को प्राप्त करते हैं, लैपटॉप उठा दे भैया, अपने निर्मल पावन शीतल बना सकते हैं। यही मंदिर में भावना है, यही सभी के लिए आशीर्वाद है। सभी भक्तजन जैन शासन और जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को पालन करके और अपने आप को श्रद्धालु बना करके अपने नश्वर जीवन का भली भांति उदाहरण दें। जैन शासन अत्यंत दुर्लभता और बहुत ही उत्कृष्टता से प्राप्त होता है। पंचम काल जैसे भीषण काल में हमें यह है परम सानिध्य जैन शासन और जैन धर्म का मिला हुआ है। हम उसके सिद्धांतों को आत्मसात करके और परिपूर्ण सिद्धांत को परिपुष्ट करके अपनी आत्मा को बलकारी और पुष्टकारी बना सकते हैं। कहीं देशना हमारे लिए हितकारी और मंगलकारी होती है, काल कोई भी हो, परंतु जब भी जिस भी जीव का कल्याण हुआ है वह जैन शासन और जैन धर्म पर श्रद्धान करके ही हुआ है। सभी जीवों को यही मेरा मंगल में आशीर्वाद है कि सभी जन अपने अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पूर्वाचार्य भगवंतों का स्वाध्याय करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन का आशीर्वाद बहुत बहुत आशीर्वाद। वो महाराज जी आ गए तुम्हारे गुरुदेव। अनम्यूट होइए, गुरुदेव का मौन हो चुका है तो वो नहीं करेंगे। ठीक है तो मैं थोड़ी से सभी को बता देना चाहता हूँ कि महासभा के इस उत्थान में और महासभा का जो योगदान है इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। भले पर्दे पे हम कुछ लोग दिख रहे होंगे लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल कुमार जी सेठी जी, कार्याध्यक्ष जमनालाल जी, इसके बाद में रमेश जी टीजारिया जी, प्रकाश जी बड़जाता जी, मोहन जी गंगवाल जी,
धर्मचंद जी पहाड़िया जी, राजकुमार जी सेठी जी, जैन गजट के संपादक कपूर चंद जी पाटनी जी, भरत जी काला जी, महिला श्री एम के जैन साहब, श्री कृष्णा जी जैन, युवा महासभा के अध्यक्ष विवेक जी बिरला, महामंत्री संदीप जी जैन, उपाध्यक्ष सुनंदा जी जैन और संयुक्त महामंत्री आनंद जी काला सहित और बहुत सारे पदाधिकारी है जो निरंतर इस महासभा के उत्थान के लिए कार्यरत है और नई नई योजनाओं के साथ काम कर रहे हैं। हमारी अभी जो साथिया जो काम हुआ है देश में, हमने राशन के अभी ये सही चला, इसमें भी लगभग 250 लोगों का जिन्होंने लगातार 2 महीने मेहनत करके सभी दिगंबर भाइयों के घर पे लगभग 5,000 भाइयों के घर पे राशन पहुंचाया था। बहुत बड़ा योगदान है महासभा के लिए, उसका भी नहीं नए नए कार्य जमाना जी और चल रहे हैं। महासभा के पदाधिकारियों का और सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा। साथ ही जो भी महाराज जी माता जी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि सिर्फ एक दिन का अल्प निवेदन दिया था, समय बहुत कम था, लेकिन इस अल्प निवेदन में भी सभी ने हमें सम्मति दी और वो सभी उपस्थित रहे, इसके लिए हम सभी उनके बहुत आभारी है। इसके साथ ही जो आप सभी लोग पधारे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ आज 1,000 लोगों का लिमिट था, लेकिन कम से कम 500 लोग वेटिंग में है, अभी भी 100-150 लोग वेटिंग में चल रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त आप सभी का उत्साह मिला है, यह उत्साह हमेशा कायम बना रहे। इस जैनम चैनल के माध्यम से आप सभी को निरंतर नई नई ज्ञान की ये मिलती रहे और सभी साधुओं से जुड़ने का मौका मिलता रहे, यही आशा हम करते हैं। और हमारी मंच संचालिका पूर्वी जी शाह, इनका भी जो टीम है इसमें सोनल जैन और विनय जी पाटनी, इन तीनों इस चैनल को चलाने वाले हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो कलाकार जो हमारे समाज के सुप्रसिद्ध गायक है, वो सभी आज हमारे लिए यहाँ पर उपलब्ध रहे, उसमें रूपेश जी जैन टिकमगढ़, श्री तेलगु जैन मुंबई, संगीता जी जैन जबलपुर, अजीत जी जैन कुचाम, सौरभ जैन सागर, राम कुमार जैन, दीपक रूपक जी जैन दिल्ली, धर्मवीर भोपाल और मयूरी पाटनी संगम ने, इन सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मैं भी भाविक से निवेदन करूंगा कि वो आगे की प्रक्रिया शुरू करें। पारस भैया आपका खूब खूब आभार, आपने बहुत अच्छे से आज का इस कार्यक्रम बनाया, सबको बहुत ही आनंद आया। हाँ, मैं मानती हूँ कि आज पहला दिन था, कुछ त्रुटियां हो गई थी, हमने बहुत कोशिश की है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा गुरुवर के दर्शन करवा पाए, पर समय की वजह से हम आज आपको ज्यादा महाराज जी के प्रवचन नहीं सुना पाए। तो मैं आप सबसे गर्भदातों से विनती करती हूँ, आप हमारी इस चैनल से जुड़े रहिए और जैसे अभी आपको पारस भैया ने बताया वैसे ही हम आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा आपको देते रहेंगे। अधिक से अधिक महाराज जी माता जी सबका आपको लाभ मिले, सबके आप प्रवचन सुन सके, ऐसे हम यत्न प्रयत्न जरूर करेंगे। आपके भी कोई नई आइडियाज हो तो जरूर आप हमें बताइए कि ताकि हम अपनी चैनल को ये हमारी चैनल नहीं है, ये हम सबकी चैनल है, तो हम सबको साथ मिलकर इस चैनल को आगे बढ़ाना है। और जैसे हमने आपको बताया था बहुत सुंदर सब भक्ति संध्या का कार्यक्रम भी हमें आगे बढ़ाना है, उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं भक्ति संध्या। भक्ति संध्या में आपने सबसे पहले संगीता जी से बहुत ही सुंदर भजन सुना, उसके बाद आपने रूपेश जी से भी बहुत अच्छा भजन सुना, इसी तरह हम इस कार्यक्रम को जो भक्ति संध्या का जो सुंदर सा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाते हैं। और अभी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले रूपेश जी जो टिकमगढ़ के हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें क्या वो सब गड़बड़ हो रहा था, सुंदर सा भजन सुना ये बराबर आ रहा है। अरे अरे महाराज के समय भी था रुपेश जी, इस भक्ति संध्या आपको करनी है, आप आपका भजन प्रस्तुत करें। बहुत बार
लोग तो बोलते ही है ना, हमारे जूम के माध्यम से सुनने का मौका मिल रहा है, सभी लोग शांति बनाए रखे बहुत। ये अपने पास और ये कंप्यूटर के कारण से रुपेश भाई आपको एक बात बताऊं, जब भी आपका बाहुबली वाला जो गाना सुनते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे श्रवण बेलगोड़ा में पहुंच गए। बहुत ही सुंदर भजन है और मावीर चैनल पे जब भी बजता है हमें बहुत आनंद आता है। अभी दो घंटे तक यही चलेगा महाराज माता जी का, और हमारे सारे भैया का जिन्होंने हम सबको यहाँ पे एक साथ जोड़ा है, हमारे सभी साथी कलाकार और वो भी सब यहाँ अवेलेबल ही है, तो सबकी प्रस्तुतियाँ होंगी। चलिए मैं शुरुआत, जैसे कि कहा है तो मैं शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। तो जैसे हमने शुरुआत तो हालांकि महामंत्र नवकार के साथ ही की थी, लेकिन जानबूझ के ये वाला शेयर कर रहा हूं, अगर मैं इसको तूने जो जैसे रखा था वैसे करेंगे दीवाला साइड वाला हट जाएगा। बिल्कुल आ रहे रुपेश जी, क्या दी आ रहे रुपेश जी, YouTube पर देख के आता है, देख बताता हूं मैं। तो हम एक बार पुनः नवकार मंत्र के चाप से ही शुरुआत करते हैं, और उसके बाद फिर छोटा सा एक ये हमारा वंदना गीत पंच परमेष्ठी के लिए, और उसके बाद एक और गीत मैं अपने इस चैन शासन के लिए समर्पित सुनाऊंगा। नवग्रह उनके हिरे पक्ष में, नवग्रह उनके हिरे पक्ष में, अज जो जप लेनो बार नमो कार नमो कार महामंत्र नमो कार नमो कार नमो कार महामंत्र नमो कार। ओ नवग्रह उनके रहे पक्ष में, नवग्रह उनके रहे पक्ष में, तो जप लेनो बार नमो कार नमो कार नमो कार नमो कार। क्या मतलब ये नमो कार श्रावक इसको होशियारी झाड़ते झाड़ते ऐसा गलत काम सीख गया हो गए श्रावक, आवाज क्यों नहीं कर रहा उसकी, जप के नहीं हो रहा। मुनि संत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, अरिहंतों के गए हो, अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के द्वार। नमो कार नमो कार महामंत्र नमो कार नमो कार नमो कार महामंत्र नमो कार। अंजन चोर ने मंत्र जाप किया आधा अधूरा, आड़म ताड़म कहने पर भी कल मिला पूरा, द्रौपदी और सीता को सती द्रौपदी और सीता को नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार नमोकार महामंत्र। तो मुझे लग रहा है ऐसे बुलाया है उसको, तो महामंत्र नवकार जय उनको जाने के परम कोटि नमो। पर वो सेम है क्या पारस, मुझे तो लग रहा है वो सेम जो आया। और अब वो गीत मैं आपको सुना देता हूं, एक और छोटी सी कुछ पंक्तियों के बारे में उसमें, जो जैन शासन के लिए मैंने ये गीत लिखा भी था, मुझे लगता है सबने यूट्यूब पे सुनाई है, और बहुत मुझे इस बात इस भजन के लिए आप सबका बड़ा स्नेह मिला। जैसे अभी आदरणीय कह रही थी कि महामस्तकाभिषेक की याद दिलाता है वो भजन, तो ऐसे ही इस भजन की भी कुछ पंक्तियां हैं, और हमारे जैन शासन के लिए समर्पित हमारी महासभा है, और उसी जैन शासन के लिए भी कुछ पंक्तियां। और एक
कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण हो, अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। हो मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अब सबसे पहली खास बात हमारे जैन शासन की, जैन धर्म की, कि दुनिया में देव हजारों हैं, दुनिया में देव हजारों हैं, पर वीतरागी तो कोई नहीं। हो दुनिया में देव हजारों हैं, पर वीतरागी तो कोई नहीं है, संत अनेकों धरती पर इतनी त्यागी तो कोई नहीं है, संत अनेकों धरती पर इतनी त्यागी तो कोई नहीं। ये परम दिगंबर संत रूप हो, और ये परम दिगंबर मुनि रूप, ये मुक्ति का आधार मिला। देखिए जाना, अभी तो प्रोग्राम है। चतुकर सीखा तूने, सीखा तेरे बच्चे ने सीखा, मुझे फिर गुस्सा आता है ऐसा बार बार ये बात। दूसरी बात हमारे जैन धर्म की सबसे खासियत जो है वो क्या है, जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है, और जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है, चीटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है, चीटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। अब जियो और जीने दो का हो, ओ हम जियो और जीने दो का संदेश और संस्कार मिला। ओ मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। मिथ्यात्व से रह कर दूर जहां आडंबर त्यागे जाते हैं, ओ मिथ्यात्व से रह कर दूर जहां आडंबर त्यागे जाते हैं, है कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का जिनवर हमें सिखाते हैं, है कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का जिनवर हमें सिखाते हैं। ओ भक्तामर सा महाकाव्य मिला हो, ओ भक्तामर सा महाकाव्य मिला, और महामंत्र नमोकार मिला। ओ मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पहले लगा देता ना इस कंप्यूटर में तो अच्छा लगता है। अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पारस भैया। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो रुपेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी आपको सुनने मिली, इसके लिए सभी लालायित रहते हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा श्री रूपक जी जयंत दिल्ली जी, बिल्कुल स्वागत।
पारस चैनल के, पारस चैनल पे इनको कहा जाता है, पारस चैनल के भजन ज्यादा इनके ही द्वारा जाते हैं, श्री दीपक जी रूपक जी जैन अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करते हैं। जय जय सभी को, सभी उपस्थित भक्तजनों को, हम दोनों भाइयों का, मैं रूपक जैन और साथ में बड़े भाई दीपक जैन, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र वंदन नमस्कार। और सभी आचार्य परमेश्वरी और साधु परमेश्वरी जो भी अभी मौजूद हैं, हालांकि हम शुरू से ही शामिल हैं, दर्शन कर रहे थे, सभी के चरणों में नमोस्तु और वंदामित माता जी। आइए, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चला है, तो कुछ बातें कम करते हुए सीधा भक्ति रस में ही पहुंचते हैं। और क्योंकि अभी हमें प्रभु के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आज जो हमें आचार्य परमेश के और साधु परमेश के सभी संतों के गुरुओं के दर्शन हुए, ऐसे दर्शन वाके ही आंखों को एक ऐसा सुकून मिला, ऐसा वात्सल्य देखा आज सभी गुरुओं की नजरों में। तो गुरुदेवों का प्यार जब किसी भक्त को मिल जाता है, किसी परिवार को मिल जाता है, तब उस परिवार में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, हम इस भजन में आपको बताने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं, सभी अपना ध्यान गुरु चरणों में लगाएंगे। आइए, सब धरती का दस करूं लेकिन सब सात समंदर बसे करूं तो भी गुरु गुण लिखाना जाए, गुरु गुण लिखाना जाए। जय करो गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। एक बहुत ही प्यारा भजन, अब सभी लोगों के मन की भावना और लग रहा है बहुत ही अच्छा अच्छा लगेगा आपको भजन। तुम्हारा प्यार के विचार फिर नए भी ऐड कर लेते होंगे। पूरा दिन चलेगा Thank you.
गुरुदेवों का जिसको आश्रय मिल जाता है, जिसको शरण मिल जाती है, वो कभी लाचार नहीं हो सकता, क्योंकि थका हुआ पांव मंजिल पा नहीं सकता, रोता हुआ गला गीत गा नहीं सकता। ये उसका लड़का है नहीं, वो पहले वाला, इसके पहले वाला। बहुत सुंदर भजन सुनने मिला हमें आज से, और देखिए बहुत ही सुंदर आपका भजन सुनने का हमें मौका मिला। और देखिए काफी लोग, अभी भी कितने सारे लोग और सुंदर भजन सुनने के लिए तैयार हैं, तो इसी श्रृंखला में अभी भाभी भाभी हाँ बीच में बॉलीवुड सिंगर खुशबू जी जैन आ चुके हैं। मैं खुशबू आई उसको बुला रहे, हेलो आप उनको बुलाइए, उनका भजन लीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और हम जितने कब से वेट कर रहे थे ऐसे हमारे खुशबू जी जैन हमारे बीच आ चुके हैं, और अभी हम उनका भजन सुनते हैं। खुशबू जी आपको खूब खूब जय जिनेन्द्र। खुशबू जी जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। उनका भजन सुनाएंगे, हमने तो आपकी जीवन है पानी की बूंद बहुत बार सुना है, बहुत अच्छे से आप गाते हैं वो भजन, बहुत सुंदर लगते हैं आपके भजन। आज कौन सा भजन सुना रहे हम आपको? आज हम गुरु भक्ति भजन लेकर आए हैं। ठीक है, जब भी आप जयकीर्ति महाराज जी के पास आते थे ना, तब हमें बहुत आनंद आता था आपके भजन सुन के। हम सोचते शायद ऐसा ही आनंद, उससे भी ज्यादा आनंद आज हमें आएगा। तो सभी लोग रेडी है आपका भजन सुनने के लिए। So, I would like to congratulate first the entire team of Shri Bharat Varshini Digambar Jain Mahasabha. Now, ये भजन गुरु के चरणों में समर्पित है, हम सभी के चरण हैं। हाँ, तो एक से चार होंगे इतने घर में होंगे। हाँ, बहुत अच्छा। आपने आपको आपने आपने
है ना उसका लड़का है तो सुनील शेट लिखा तो है क्या दी आपके बड़ा ही पावन सानिध्य आज गुरुवरों का है परम सौभाग्य है कि गुरुवर के चरणों में हम यह भजन प्रस्तुत कर रहे हैं और गुरुवर का आशीर्वाद हम सभी पर बरसता नहीं बन गए हैं ऐसी आशा है चलिए जो भक्ति में ये भजन हम सब मिलकर गाएंगे मेरे साथ हैं अंकित जैन और गिटार माइक का ब्रदर There's a water drawn. It's a water drawn. When it vanishes away, you should. उनको डायरेक्ट लगा लिया था इसलिए मैं चरणों की धूल हमें जब मिल जाए चरणों की धूल हमें जब मिल जाए चरणों की धूल हमें जब मिल जाए उसकी दुनिया में उसकी दुनिया में भूल जाए जब मिल जाए चरणों के भूल हमें जब मिल जाए गुरुजन हम सिखलाते हैं मंदिर हमें दिखाते हैं ओ गुरुजन ना सिखलाते हैं मंदिर हमें दिखाते हैं जीवन सुधा मिलाते हैं जीवन सुधा मिलाते हैं गुरु ही राज बताते गुरु की आज्ञा में गुरु की आज्ञा में सब वेद समाए गुरु चरणों की भूल हमें जब मिल जाएंगे गुरु चरणों की भूल हमें जब मिल जाएंगे चमत्कारी डबल डबल आवाज आ रही
किसी जमनालाल जैन का बर्थडे है तो बर्थडे लाइव कोई पहचान वाला होगा गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे ओ गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे स्पेशल डे मैं कह सकती हूँ मैं आदरणीय श्री जगन्नाथ जी को यहाँ पर देख रही हूँ आज उन्हीं के आज जन्मदिन है उनके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे पावन अवसर पर गुरुओं ने आशीर्वाद दिया है नाम ही वीर रखा है तो सचमुच अद्भुत है हम सब यही कहेंगे लोग तो लीव करके चले गए हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये गाए भीम तो हमारे आसपास भी गुरुदेव है और उनके हमें साक्षात दर्शन करे काफी लोगों ने बताया कि हमें महाराज का दर्शन करके खूब आनंद आया हमें भी बहुत आनंद आया क्योंकि रात हो चुकी है इसलिए सभी गुरुदेव के दर्शन हम अभी आपको नहीं करवा रहे पा रहे श्रद्धा से गुरुवर की भक्ति की श्रद्धा से उन तक पहुंचे इसीलिए ये शब्द गुरुवर के ही लिखे हुए हैं इसको मैंने आज आप सभी के बीच नहीं बहुत ही सुंदर हमें बहुत अच्छा लगा आपका भजन सुन के और ऐसे ही हमें और नए नए भजन सुनाते रहना ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सौरभ जैन जो के सागर से है उनके रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप भी एक प्यारा सा सुंदर सा भजन हमें सुना दीजिए जो सुनने के लिए हम सभी लोग बहुत ही आतुर हैं और बहुत ही वेट करें आपका भजन सुनने के लिए सभी को जय जिनेंद्र आवाज आ रही है मेरी आ रही है सभी को जय जिनेंद्र और ज्यादा समय ना लेते हुए औपचारिकताओं में ना पढ़ते हुए सीधे भजन की ओर बढ़ना आज ज्यादा उचित है लेकिन फिर भी केवल दो शब्द कहना चाहूंगा समस्त महासभा के सदस्य गणों से कि वे निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि जो उपक्रम उनके द्वारा किया गया है ये निश्चित रूप से पूरे हमारे भारतवर्षीय जैन समाज को धर्म ध्यान का और गुरुओं की वाणी से जुड़ने का एक बहुत बड़ा फायदा बहुत बड़ा लाभ देने वाला एक चरण है आप सभी लोग चित रूप से बधाई के पात्र हैं और बहुत ही सुंदर ये कार्य हो रहा है और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें हम मंदिर तो नहीं जा पा रहे हैं लेकिन मंदिर ना जाते हुए भी गुरुओं के दर्शन हमें इस ऐप के माध्यम से आप लोगों ने कराए हैं क्योंकि
यदि हम किसी एक संघ के दर्शन करने जाते हैं तो हमें एक ही संघ के दर्शन होते हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से हमें इतने सारे संघों के आज दर्शन हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो लीजिए, आज के ही वर्तमान परिस्थितियों को लेकर एक कुछ लिखा हुआ है, उसको आपको सुनाता हूं। बीत गए जो भक्ति के दिन, बीत गए जो भक्ति के दिन फिर से वापस आएंगे, बीत गए जो भक्ति के दिन फिर से वापस आएंगे। पुण्य प्रबल रख अपना, मंदिर के पट भी खुल जाएंगे। पुण्य प्रबल रख अपना, मंदिर के पट भी खुल जाएंगे। फिर पूजन का थाल सजा कर, फिर पूजन का थाल सजा कर हम प्रभु के गुण गाएंगे। फिर पूजन का थाल सजा कर हम प्रभु के गुण गाएंगे। पुण्य प्रबल रख अपना, मंदिर के पट भी खुल जाएंगे। पुण्य प्रबल रख अपना, मंदिर के पट भी खुल जाएंगे। और सबसे पहली पंक्तियां भागे लिए मैं चार पंक्तियां बोल रहा हूं। हो हो, आज समय के इम्तिहान का। देखिए, महासभा ने जो उपयोग करने सिखाया है, जो टेक्नोलॉजी का, वो तकनीकों का सदुपयोग हो महासभा का कहना है। तकनीकों का सदुपयोग हो महासभा का कहना है। भले विवश हो घर रहने को धर्म का पालन करना है। भले विवश हो घर रहने को धर्म का पालन करना है। धर्म का पालन करना है। जैनम चैनल से गुरु दर्शन हो, जैनम चैनल से गुरु दर्शन और प्रवचन मिल जाएंगे। जैनम चैनल से गुरु दर्शन और प्रवचन मिल जाएंगे। पुण्य प्रबल मंदिर के पट भी खुल जाएंगे। पुण्य प्रबल रख अपना, मंदिर के पट भी खुल जाएंगे। फिर पूजन का थाल सजा कर हम प्रभु के गुण गाएंगे। फिर पूजन का थाल सजा कर हम प्रभु के गुण गाएंगे। पुण्य प्रबल रख अपना, मंदिर के पट भी खुल जाएंगे। और ये अंतिम पंक्तियां, जैसा कि हमारे गुरुओं ने कहा है कि धर्म के साथ साथ राष्ट्र धर्म का पालन करना भी हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, तो उसके लिए चार पंक्तियां कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। धर्म की उन्नति यदि चाहो तो राष्ट्र धर्म का ध्यान रखो। धर्म की उन्नति यदि चाहो तो राष्ट्र धर्म का ध्यान रखो। पर उपकार में लगो, हृदय में प्रथम दान का स्थान रखो। पर उपकार में लगो, हृदय में प्रथम दान का स्थान रखो। प्रथम दान का ध्यान रखो। आज समय की मांग यही है हो,
आज समय की मांग यही है हम सबके काम आएंगे, आज समय की मांग यही है हम सबके काम आएंगे। पुण्य प्रबल रख अपना मंदिर के पट भी खुल जाएंगे, पुण्य प्रबल रख अपना मंदिर के पट भी खुल जाएंगे। बीत गए जो भक्ति के फिर से वापस आएंगे, पुण्य प्रबल रख अपना मंदिर के पट भी खुल जाएंगे, पुण्य प्रबल रख अपना मंदिर के पट भी खुल जाएंगे। आप सभी को जय जिनेंद्र, सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सभी गुरु चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्ते। बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया भजन सिंह के, बहुत आनंद लगा। और आपने जो शब्द बोले सही बात है, हमारा पुण्य प्रबल होने वाला और अभी शुरुआत ही हो गई है प्रबल पुण्य की, जो हम घर बैठ के ये जूम के ऐप के माध्यम हमारे गुरुवर के सबके दर्शन कर सकते हैं, ऐसी भावना पा सकते हैं जिससे हमें जल्दी से जल्दी भगवान के दर्शन मिले। तो चलिए यही भजन की संध्या को हम आगे बढ़ाते हैं और हम अजीत जैन जो कुचामन से है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। अजीत जी आपको खूब खूब जय जिनेंद्र और हम चाहते हैं कि आप एक सुंदर सा भजन हमें सुनाएं, तो चलते हैं अजीत जैन के पास। उनको म्यूट करना पड़ेगा पारस। हाँ मेरी आवाज आ रही है? अजीत जी बोलिए, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हेलो हेलो, क्लियर आवाज आ रही है? सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रही है। ठीक है ठीक है। मैं बिना विलंब करते हुए सबसे पहले तो महासभा के जितने भी सदस्य गण हैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने जो ये जैनम चैनल के माध्यम से भक्ति का माध्यम बनाया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और जितने भी श्रोता आज इससे जुड़कर भक्ति का आनंद ले रहे हैं सबको जय जिनेंद्र बोलता हूँ। हमारे पारस जी और जो हमारी दीदी एंकरिंग भी बहुत अच्छे से कर रही है, उन्होंने बिल्कुल पूरे प्रोग्राम को एकदम वेल मैनेज कर रखा है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और एक मेरी नई रचना, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? एकदम क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। ठीक ठीक है। एक रचना मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। आपने वो भजन सुना होगा कि जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे महावीर तेरा मंदिर बन जाए। लेकिन मैंने कुछ बात अपने ढंग से कही है कि मेरे घर के आगे मंदिर ना बने, मेरा घर ही मंदिर बन जाए। और आज ऐसे भी इस महामारी के टाइम ये बहुत बड़ी जरूरत है कि सब लोग अपने ही घर को मंदिर बना ले और भक्ति भाव करें। तो आप सुनिए भजन। विश्वास की दीवारें छत धर्म की बन जाए, विश्वास की दीवारें छत धर्म की बन जाए, प्रभु की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए, प्रभु की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। और ईट ईट घर की महावीर के गुण गाए, और ईट ईट घर की महावीर के गुण गाए, प्रभु की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए, प्रभु की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। और घर मंदिर कैसे बन जाए सुनिए एक एक पंक्ति। कि संस्कार की डोरी हो और प्रेम का पल ना हो, संस्कार की डोरी हो और प्रेम का पल ना हो, उसमें झूले रिश्ते हैं सुख चैन से सोना हो,
उसमें झूले रिश्ते हैं, सुख चैन से सोना हो, जहां माता लोरी में, जहां माता लोरी में नित भक्ता मर गाए, प्रभु कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। विश्वास की दीवारें छत धर्म की बन जाए, प्रभु कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। और घर मंदिर कैसे बने? कि निज दोष दिखे जिसमें, घर में वो दर्पण हो, आओ निज दोष दिखे जिसमें, घर में वो दर्पण हो, दीवारों पर गुरुओं संतों का चित्रण हो, दीवारों पर गुरुओं संतों का चित्रण हो, खूंटी स्वाध्याय की हो, खूंटी स्वाध्याय की हो, सद्बुद्धि टिक जाए, खूंटी स्वाध्याय की हो, सद्बुद्धि टिक जाए, प्रभु कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। विश्वास की दीवारें छत धर्म की बन जाए, प्रभु कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। भजन की अंतिम पंक्तियां सुनिए कि घर में घर मंदिर कैसे बने। भोजनशाला घर की बड़ी शुद्ध और पावन, भोजनशाला घर की बड़ी शुद्ध और पावन, मंदिर के पोछारे सा धोए हम हर कण कण, मंदिर के पोछारे सा धोए हम हर कण कण, मर्यादा के भोजन, मर्यादा के भोजन से लोग है घबराए, प्रभु कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। विश्वास की दीवारें छत धर्म की बन जाए, प्रभु कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। और ईट ईट घर की महावीर के गुण गाए, प्रभु कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए, प्रभु कृपा से मेरा मंदिर बन जाए। बोले महावीर भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भजन, मतलब आपने जो भजन बताया ना, हमारे रोम रोम खड़े हो गए। हमें ऐसा लगा कि सही बात है, हमें मंदिर तो जाना ही चाहिए, पर जब हम घर के अंदर ही ऐसे मंदिर का वातावरण क्रिएट करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम मंदिर के अंदर ही रह रहे हैं। और आपने जो भोजन की बात बताई, हमारे जैन धर्म को आज पूरी दुनिया ने माना है, सबने माना है, जब से कोरोना का रोग आया है तब से सभी लोग माना है कि जो जैन धर्म के सिद्धांत है, जैन धर्म की बातें हैं, वो सबसे उत्तम है। और आपने आपके इसी भजन के द्वारा जो बात हमें बताई, सचमुच बहुत सराहनीय है। हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम सभी अपने घर को मंदिर की तरह बना लेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी आफत नहीं आएगी, मेरी यही भावना है। नहीं, बहुत सुंदर भावना है। आपसे और भजन सुनना चाहते हैं, पर फिर भी पहले जो हमारे धर्मवीर जैन है जो भोपाल से है, वो भी हमें एक भजन सुनाना चाहते हैं। तो अजीत भैया, हम आपसे और एक भजन सुनेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं धर्मवीर जैन के पास जो भोपाल से है। आज हमने बहुत सारे संगीतकार के नाम सुने, गायक के नाम सुने हैं, पर आज इस चैनल के माध्यम से हम सभी को हम घर बैठ के सुन सकते हैं, हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो जय श्री धर्मवीर भैया आपको भी। मैं आप सभी को बता दूं, धर्मवीर जी बहुत अच्छे गायक है, बहुत सारे पंच कलानक में और अलग अलग कार्यक्रमों में आपने उनको सुना ही होगा। आज हमको लाइव सुनने का मौका मिला है। कृपया जी आप सभी आप हमें भजन सुनाएं। अरे जिनको अनम्यूट कीजिए।
धर्मवीर जी अनम्यूट कीजिए आपका। हाँ हो गया। बोलिए धर्मवीर जी, बोलिए। आ रही बोलिए। अभी तो मेरा आदर प्रणाम और जितने भी हमारे गुरु महाराज आचार्य परवल महाराज माता जी के पावन चरणों को मेरा कोटिशा अभिनंदन और भारत की महासभा के सभी मेंबर और आज ये बड़ी पावन श्रृंखला आपने प्रारंभ की है। हमारे भारत जी हमारी दीदी बहुत अच्छे एंकरिंग कर रही हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, बहुत बहुत बधाई। ऐसे कार्य को कर रहे हैं जो रोज गुरु महाराज के दर्शन होंगे और हम लोग के रोज गुरु जी के दर्शन होंगे इस चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद पारस भैया। आइए के माध्यम से सितारों के साथ आकाश है, रिश्तों के साथ विश्वास है, पल को करके भाइयों हमारे गुरुवर हर भक्त जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। ओ मेरे गुरु परम रोज हो दर्शना, ओ मेरे गुरु परम रोज हो दर्शना। भाव से कुछ पूरा हो गया तो कब देखा जो मैंने, पूरा हो गया देखते ही तुम्हें, हो गया क्या हमें देखते ही तुम्हें, हो गया क्या हमें तेरा हो गया तू मेरा हो गया तू मेरा हो गया। ओ मेरे गुरु परम रोज हो दर्शनम, अब देखा जो मैंने पूरा हो गया, अब देखा जो मैंने पूरा हो गया। ये करा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। मैं परेशान था मेरा कोई न था, ऐसे में हाथ पकड़ा जो तूने मेरा, ऐसे में हाथ पकड़ा जो तूने मेरा, गर्दिशे टल गई मंजिले मिल गई, गर्दिशे टल गई मंजिले मिल गई। चांदनी मुस्कुराई दर्श हो गया, ओ मेरे गुरु परम रोज हो दर्शनम, अब देखा जो मैंने पूरा हो गया। तुम जहाँ भी रहो साथ में भी रहो, छोड़ मुझको न जाना मेरे गुरु बरा, छोड़ मुझको न जाना मेरे गुरु बरा। भूल हो जाए कर तेरे नाना नजर, भूल हो जाए कर तेरे नाना नजर। मैं तेरा हो गया तू मेरा हो गया, ओ मेरे गुरु परम रोज हो दर्शनम, ओ मेरे गुरु परम रोज हो दर्शनम, अब देखा जो मैंने पूरा हो गया, अब देखा जो मैंने पूरा हो गया। देखते ही तुम्हें हो गया क्या हमें, देखते ही तुम्हें हो गया क्या हमें। मैं तेरा हो गया तू मेरा हो गया, मेरे को गुरु परम रोज हो दर्शनम, अब देखा जो मैंने पूरा हो गया। जय जय गुरुदेव का जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।
बहुत ही सुंदर भजन आपने सुनाया धर्म भैया, सभी को घर बैठ के हमें तो ऐसा मन हो गया कि हम खड़े होके झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। कभी मौका मिला तो एक भक्ति संध्या का कार्यक्रम हम आप सभी सभी गायक सभी कलाकार के साथ जरूर करना चाहेंगे, हम भी घर में बैठे। आज हम सभी लोग गुरु भक्ति से जुड़े हुए हैं, हमारे आचार्य महाराज श्री के हम लोग दर्शन कर रहे हैं, माता जी के हम दर्शन कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। इतने दिनों के बाद हम उनके दर्शन कर रहे हैं और उनके श्री चरणों में जो तो पंक्तियां लिखी हैं वो समर्पित। तो आपको हमारी आवाज हेलो हाँ बोलिए राम कुमार जी, आ रही हमको आवाज। हम गुरुदेव क्या मिले थे तू जहाँ मिले, हम गुरुदेव तू जहाँ मिले, जिसे तुझे हुए चमन को बाप बांटे, गुरुदेव क्या मिले उजले हुए क्या मिले हमें गुरुदेव क्या मिले जिनकी बाणी में सदा फूल जैसे झलकते हैं, जिनकी बाणी में सदा फूल जैसे झलकते हैं, जो अपने साधना से रोज ही निखरते हैं, जिनकी बाणी में सदा फूल जैसे झलकते हैं, जो अपने साधना से रोज ही छलते हैं, जिनके पैरों तले छाले सदा ही पलते हैं, जिनके पैरों तले छाले सदा ही पलते हैं, ये होती है जो तूफानों में भी चलते हैं, ये होती है जो तूफानों में भी चलते हैं, जैसे तरीकश से जैसे तरीकश से छुने तीर को कमान मिले, हमें गुरुदेव क्या मिले तो गुरुदेव क्या मिले के दो मिले। करते रहते हैं जो निष्काम प्रभु भक्ति को, करते रहते हैं जो निष्काम प्रभु भक्ति को, नहीं पहचान पाया कोई इनकी शक्ति को, करते रहते हैं जो निष्काम प्रभु भक्ति को, नहीं पहचान पाया कोई इनकी शक्ति को, आत्मा से जुड़े विकारों को नशाते हैं, आत्मा से जुड़े विकारों को नशाते हैं, रग विषयों से परे, रग विषयों से परे बीच में आते जाते हैं, मिले वो ऐसे, मिले वो ऐसे सुदामा को जो घनश्याम मिले,
हमें खुरते विक्या मिले के दो जहां मिले हमें खुरते विक्या मिले के दो जहां मिले जैसे उजड़े हुए चमन को बागबान मिले हमें गुरुदेव क्या मिले के दो जहां मिले हमें गुरुदेव क्या मिले के दो जहां मिले आज कितने दिनों के बाद हमारे जो प्यासे हैं उन्होंने नैनों में गुरुदेव के दर्शन किए आर्य के माता शिव के दर्शन किए हो गई आत्मा पावन गुरु दर्श पाया हो गई आत्मा पावन गुरु दर्श पाया मिल गई आज हमें गुरु की चरण छाया ज्ञान और ध्यान की अग्नि में नित नहाएंगे ज्ञान और ध्यान की गंगा में नित नहाएंगे और आनंद के सागर में डूब जाएंगे और आनंद के सागर में डूब जाएंगे मिले वो ऐसे हनुमान खुशी राम मिले हमें गुरुदेव क्या मिले के दो जहां मिले हमें गुरुदेव क्या मिले के दो जहां मिले जैसे उजड़े हुए चमन को बागबान मिले हमें गुरुदेव क्या मिले के दो जहां मिले हमें गुरुदेव क्या मिले के दो जहां मिले बहुत ही सुंदर भजन बहुत सुंदर भजन सही बात है हमें गुरुदेव मिले तो दो जहान मिले और हम कहते हैं ना कि हमारे नमोकार मंत्र में से पहले दो परमेश्वर के तो हमने देखे नहीं ना दर्शन किए हैं पर हमारे परम सौभाग्य से हमें आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमेश्वर यही मिलते हैं और उनसे हम दर्शन भी करते हैं और दर्शन करके जैसे आप बता रहे हैं हमारे भाग्य खुल गए तो चलिए इसी श्रृंखला में भजन श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अभी मैं मयूरी पाटनी से मैं गुजारिश करूंगी कि वो अपनी सुंदर आवाज में हमें प्यारा सा भजन सुनाए मयूरी जी को पहले भी एक दो बार सुनने का हमें मौका मिला है बहुत सुंदर भजन गाती है मयूरी जी आपको जय जिनेन्द्र उनको अनम्यूट करना पड़ेगा हाँ एक मिनट अनम्यूट कीजिए मयूरी जी आपको हाँ ठीक बोलिए आ रही है बोलिए बोलिए हेलो सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए तुरंत भजन की शुरुआत करती हूँ की दीवानी आपके चरणों में सर झुकाते हैं तुम्हारे रूप में गुरुदेव वीर नजर आते हैं तुमने गुरु हम तुम्हारे दीवाने हो गए हम तुम्हारे दीवाने हो गए हम तुम्हारे दीवाने कैसा जादू किया तुमने गुरु बल हो गए हम तुम्हारे दीवाने कभी हो जाए चलते जाम से मुस्कुरा के तो आपसे
कभी हो जाए गलती जो हमसे मुस्कुरा के गुरु आप कहते अब ये जाना कि क्यों भक्त सारे तुम्हें ही कहते अब ये जाना कि क्यों भक्त सारे बड़ा आप सभी को और ये अनोखा प्रयास महोत्सवा का बहुत रंग ला रहा है और सब बड़े बड़े गायकों से मिलने को मिल रहा है तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं यही पर अपना पूर्ण विराम देती हूँ। थैंक यू भजन गाया। हेलो के ऊपर आपका जो भजन था वो सुन के हमें सच में बहुत आनंद आया, बहुत सराहनीय था आपका भजन। ऐसे ही आगे हमें अच्छे से भजन रहेंगे ऐसी आपसे अपेक्षा है और कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हमारे पारस भाई, हाँ भाभी बोलिए, ऋषभ जी आगर कर, ऋषभ जी आगर कर। हाँ हम चलते हैं हमारे ऋषभ जी आगर कर के पास। ऋषभ जी हम आपसे बहुत प्यारा सा भजन सुनने के लिए मंदिर में थोड़ी एंट्री लेंगे मेरे मुंबई में जॉइन करूंगा प्रभु खाना